जय हिंद। जितने भी मेरे भाई लोग जो अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं, आप सभी को पता है लगभग लगभग पूरा देश ही टीओडी का विरोध कर रहा है, ट्यूर ऑफ ड्यूटी का विरोध कर रहा है। साथ ही जो नई उसके साथ में एक न्यूज निकल के आएगी, आर्मी की जो पुरानी भर्ती जिसका पेपर नहीं होगा, जिसकी वजह से जो युवा पिछले 2 साल से मेडिकली फिट है, पेपर के लिए केवल इंतजार कर रहा था, एयरफोर्स के बच्चे जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, उन सभी के जो सपनों पे पानी फेर दिया सरकार ने, उसका विरोध हो रहा है और घोर विरोध करते हैं हम भी। और जितने भी बच्चे हैं, सभी के सभी बच्चों के साथ में, युवा समर्थक के साथ में पूरा देश आज विरोध कर रहा है, सभी दल भी इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको कुछ चीजें बता दूं लाडलो, वो आपको गलती नहीं करनी है, जिसके बारे में मैंने कल चर्चा की थी। देखिए, केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना पर निकाल, इस बच्चे ने एक और सुसाइड किया जिसका कि आज वीडियो वायरल हो रहा है। तो ये काम मैंने कल ही बोला था, कायरता का परिचय नहीं देना है। अब देश के वीर जवान है, आपको कायर नहीं बनना है, आपको लड़ना है अपने हक के लिए, आप लड़ सकते हैं, लेकिन कायर नहीं बनना है, आत्महत्या जैसा पाप नहीं करना है। इसके अलावा इस प्रकार की कोई हरकत नहीं करनी चाहिए। यहां देखिए, एक पुलिस वाला है जिसको घेर के इस भीड़ ने लगातार हाथ से मारे जा रही है, इस प्रकार का कार्य नहीं करना है। ट्रेनों और सार्वजनिक संपत्ति को इस प्रकार से जो आग लगाने के वीडियो वायरल हो रहे हैं, इस प्रकार का कार्य कतई नहीं करना है। आप डिसीजन किसी पुलिस वाले ने नहीं दिया, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उनको अपने पावर दिए जाते हैं, उनको अपनी ड्यूटी दी जाती है और उसको फॉलो करेंगे, आपकी उनसे कोई झगड़ा नहीं है, वो अपना काम करते हैं, आपको अपना काम करना है। लेकिन किसी भी पुलिस वाले के ऊपर हाथ उठाना जैसा नापाक हरकत नहीं करनी है आपको, किसी भी पुलिस वाले के साथ। टीओडी का घोर विरोध हो रहा है, पूरा देश कर रहा है, हम भी कर रहे हैं। स्पेशली टीओडी से ज्यादा हम विरोध कर रहे हैं कि जिन बच्चों का पेपर नहीं हुआ उनका पेपर लिया जाए, क्योंकि वो पिछले 2 साल से अपना पूरे घर का पैसा फूंक चुके हैं, उनकी घर की पाई पाई फूंक चुकी है, उन्होंने लोगों से कर्जा लेके एक एक रुपए लेके पिछले 2 साल में कोचिंगों में अकेडमियों में पैसे दे दे के तैयारी की है, और आज उनका सपना ही बिखेर दिया आपकी एक छोटी सी न्यूज ने कि पहले का जो था उसको भूल जाओ। ऐसा नहीं होगा, आपको उनका पेपर लेना पड़ेगा, हो सके तो उन बच्चों को, उनमें से ज्यादातर बच्चों को आपको सर्विस में लेना पड़ेगा, जो मेडिकली फिट है उनको तो 100% आपको लेना चाहिए। साथ ही एयरफोर्स का जो रिजल्ट आपने रोक रखा वो आपको देना चाहिए, उन बच्चों के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आप अग्निवीर बनाने से पहले कई घरों में आग लगा दी आपने, ये काम आपको नहीं करना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पैसे कर्ज में लेकर पिछले 2-2 साल से पढ़ाई की है, आज आपने उनके सपने के साथ साथ उनका सारा अंतर्मन मार दिया है, तो हम इसका घोर विरोध करते हैं। आप नई योजना कुछ भी लाए, लेकिन जो पुराने बच्चे हैं सबसे पहले उनको आप संतोष करें, सबसे पहले उनकी संतुष्टि की देखें और उनका जो पेपर बचा वो लीजिए। साथ ही इन बच्चों को मैं बता दूं लाडलो, अग्निपथ योजना का पूरे देश में घोर विरोध हो रहा है, टीओडी का घोर विरोध हो रहा है, सरकार को पुराने पेपर कराने पड़ेंगे और इस योजना के बारे में भी आगे कोई ना कोई गाइडलाइन जारी करनी पड़ेगी। लेकिन इस प्रकार का कार्य ना करें, ये भारत की सार्वजनिक संपत्ति है, इसे हमारे देश के विकास में अवरोध ना करें। अगर इस ट्रेन में कोई बैठा होता, कोई बच्चा होता, तो आपके हिसाब से वो चल के फूंक दिया है। यहाँ एक पुलिस वाला इनको छुड़ा रहा था, उसके बीच में इन्होंने ऊपर से धड़ाधड़, ये शॉर्ट वीडियो भी मैं डाला हूँ चैनल पे, आप देखना किस प्रकार की गंदी नापाक हरकत की है। इस प्रकार का कार्य आपको शोभा नहीं देता है, आप देश के वीर जवान है, ऐसा कार्य ना करें। जय हिंद, जय भारत लाडलो।